आशा का नाम सुन लीजिए, उसके बाद आप लोग रात भर नौटंकी का मजा लीजिए। आप लोग के सामने संगीत का नाम पेश है बाबूजी। आप लोग के सामने संगीत का नाम पेश है एक परिवार की कहानी है बाबूजी, बैठ कर देखेंगे, हो सकता है कि हम बच्चे तक कुछ दिखा के जाएंगे। बाबूजी संगीत का नाम है दौलत का नशा, दौलत का नशा उर्फ गद्दार चाचा, दौलत का नशा उर्फ गद्दार चाचा। संगीत ने देखा तो हसरत रहेगी, जुबा पे हमेशा शिकायत ही रहेगी। एक बार प्रेम से बोलो बोल शंकर भगवान की। आप लोग के सामने बाबू साहब की सवारी आ रही है। कसम हम अपना एड्रेस और पता बताएंगे। रास्ता चलने वाले को रास्ता तमाम है, बैठने वाले भाइयों को सबको मेरा नमस्कार है। चले की जात की चलिया लहू को बहा दूंगा, कसम परमात्मा की साले हम तेरा खानदान बिटा दूंगे। जगत का मुझसे बढ़कर शासन लोग कर्मचारी गए, रहो बेटो, हम तुम्हें नौकरी करने के लिए पैसा देता हूं, घूमने के लिए नहीं। लगाता हूं आवाज, देखता हूं छठुआ कहां रहता है, क्या कर रहा है। अरे किसकी ड्यूटी है, मैं है। आप तक हम अपनी ड्यूटी देखा था, लेकिन मेहरो की ड्यूटी नहीं देखा। आओ मेहरो के सरदार मेरे पास आओ, आप मेरे समझ में आ जाएगा। हम कहा बाबू साहब नमस्ते। नमस्ते बोलते हैं। ओके बेटा। एक अल्फाज गलत निकाला तो मैं कसम तेरे बदन की सारी चमड़िया काली कर। बाबू साहब हमके गोली से मारा था, इन्हें पूछा था कि मोनू बेटा पूछा नहीं है, अब छिड़कब करा। अरे पूछ रहा हूँ बड़ी खुशी की बात बा, बड़ी दुख की बात बा। बड़ी खुशी की बात है और बड़े दुख की बात है। हाँ। बात क्या है बे? बाबू साहब हमें किस पिलाई जी आ रहे पिलाई। हाँ, हाँ। एक की पिलाई जी आ रहे एक पिलाई के दी बच्चा पैदा भाई, एक का नाम सापून रखे एक का नाम आपून। बड़ी दुख की बात यह है बाबूजी, एक का नाम सापुन एक का नाम आपुन, सापुन मर गया। हम आपसे पूछते हैं कुतिया दूध कौन पिया। बहुत दिमाग लगा के बात कर रहा है बे। एक कुतिया जिया था, कुतिया के दो बच्चे पैदा हुए, एक का नाम सापुन एक का नाम आपुन। सापुन मर गया, हम आपसे पूछते हैं कुतिया दूध कौन पिया। सिगरेट नहीं, अभी और कुछ पिएंगे, घबराओ मत। देख पे सापुन आपुन तो मर गए दोनों, समझ लो। बाबू साहब सवाल के जवाब बतावा, एक का नाम सापुन एक का नाम आपुन, सापुन मर गया, हम आपसे पूछ
पूछते हैं कुतिया का दूध कौन पिया। कुतिया का दूध किसने पिया? अरे कुतिया तू दिया था बे, तो दूध क्या मैं पीऊंगा? कुतिया हम दिया रे, कुतिया दी बच्चा पैदा, एक का नाम सापुन रखे रे, एक का नाम आपुन। तब क्या हुआ? सापुन मर गया, हम आपसे पूछते हैं कुतिया का दूध कौन पिया। सापुन मर गए, कुतिया का दूध कौन पिया? आपुन पिया बे, आपुन। तुम्हारे जैसे नौकर इस परिवार इस खानदान में रहेंगे तो दो धाम नहीं पिएंगे, तुम नहीं पिएगा क्या हमारा बाप? ए बेटवा मोनू, मारूंगा कब घर लाऊंगा ज्यादा? हमके मारा था बाबू साहेब, कितनी दुख की बात की काहे हम लेट आए हैं। लेट लेट क्यों आया? हमारे ससुरारी में चार चार मौत हुई है। चार चार? अरे रो मत ले, चुप 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 चुप। अरे तेरे ससुराल में चार चार जान चली गई, लेकिन मोनू मरा कौन कौन बे? प्लीज कम सिट डाउन। ससुराली में हिजड़ा गा रहे हैं। ठीक है, बोल बोल। कि मोरे ये करे जवा, कि मोरे ये करे जवा, अरे तू सारा तो मर गई बेटा, अरे तू सारा तो मर गई लड़का लकाई ना। Thank you.
बाप की, तेरे माँ की, अब तेरा शरीर अब काला गया है, चौथा कौन मरा बे? प्लीज कम सिट डाउन। हलीम मास्टर जहाँ कहे स्टेज पर सोल चुका तो आई जा सब मिलाकर चारों चांद का मिलाकर एक हुआ बाबू साहेब। ऐसे कुकुरे के नहीं घामे में लग लगा, जब ससुरारी पहुंची तो हमार बुढ़िया ऐसे घर में चमचमाते ही निकल आई। चमचमाती तब क्या हुआ? एक लोटा पानी, एक भाव की मुतासा। मुतासा क्या है बे? बतासा। बाबू साहब लेके पहुंचे तो हम लगी चपाल चपाल चबाई, एक लोटा पानी पी ले। पानी पी ले, पानी पी ले। बाबू साहब आप तो साहब बताई, बहुत दुख के बाद बा हमारे ससुरारी में चार चार मौत हो गई है। यही तकलीफ है बाबू साहेब, यही से लेट पहुंचे हा। अच्छा आजकल खाए पी तो खूब कैसे चलत है, ये बड़े लेट पहुंच जावत है। हाँ बाबू साहेब, हाँ अपन पर्चा दे दिया। हम अपन पर्चा दे दे, तू अपन पेपर गजट करावा। अरे पर्चे बे पर्चे। हाँ, अपना पर्चे दीजिए। मैं सारी बात को बता दे रहा हूँ, मेरे घर में कितने प्राणी हैं, कौन कौन है, कितने सदस्य हैं, मैं बताऊंगा। बाबू साहेब ये हम के डब्लू भाई, हम आपके नौकर हैं, आपके गुलाम हैं, आपके टुकड़ों पे पलने वाला एक नौकर हूँ बाबू साहेब। अपना पर्चे अपने से दीजिए, हम आपका नाम नहीं ले सकते बाबू साहेब। गोली मारती
कर दिया, आप तक उस लाश का पता नहीं चला। तो भैया और भाभी के गोद से दो बच्चे पैदा थे, बड़े बच्चे का नाम सूरज, छोटे बच्चे का नाम श्यामल था। और मौका देखा, सूरज कॉलेज गया था और भाभी काम कर रही थी, छोटा मुन्ना घर में सो रहा था, उसका मुंह दबा ले गया सुहागी पहाड़ पर से, फेंक दिया उसकी दुनिया। अब मेरे रास्ते के कांटे सिर्फ दो, भाभी रूपावती और बड़ा लड़का सूरज। अरे हाँ सूरज, तेरा बाबू मुझे मेरे गाल पे एक चाटा मारा है। अरे है बेटवा, वो चाटा मुझे याद है। आप देख इस चाटे के अपमान के लिए क्या क्या होता है तेरे घर में। बाबू साहब, 500 रुपया कारण अपने भौजाई के मार डाला, अपने भाई के मार डाला, खड़ावा अपने भतीजे सुहागे पहाड़ से फेंक दिया, बहुत अच्छा काम किया। पहले सोचा था बाहर भाग बाहर शादी नहीं कराए, नहीं कराए, इसलिए गिराज नगर का मालिक वो बन सकता है, उसके बच्चे बन सकते हैं। मतलब तुम कुंवारे कुंवारे रहुआ कर वो नीपुर ही आ रहा। चाचा तुम्हारा भाई इसलिए नहीं किया तुम्हारा शादी की, अगर शादी होगा तुम्हारे बाल बच्चे होंगे आधा हक उसको मिलेगा, इसी वजह से तुम्हारा भाई तुझसे शादी नहीं करवाया। ऐसा काम करा जाए तुम्हारे साथ हम रहा। आवा चली कजनवा के पास और सूरजवा के पास, खजाने की चाबी मांगा, अगर बता ही तो ठीक बात है, जाओ एक दो तीन कही दो बजे की बाबू साहेब कुछ कहा भाई चला रस्ता पार हो गया। चल रहा है, चलने के बाद वहां कोई बात बताया तो याद कर ले।
बड़ी बहन के जोड़ में छोटे भैया का अपना नमस्कार हो गए। खुश रहो मोनू। आखिर बहन ते आप में आंसू कभी नहीं देखता था मेरी अच्छी सी बहना। अरे आखिर बात क्या है, जब इस हवेली में आता हूँ मेरी बहन, मैं यही देखता कि बहुत खुशहाल नजर आती थी। आज बात क्या है मेरी अच्छी सी बहना, कि जो तेरे आंख में आंसू और चेहरा उदास से बहन, आखिर प्यारी बहन बात क्या है कि जो तू रो रही है। कुछ नहीं मोनू भैया, बड़े भैया कानो दो, मैं सब कुछ बता दूंगा। ठीक है बहन, तू बैठ, हो सकता है सूरज भैया तेरे पास आते हो, बहना बैठ जा। हेलो। समझी तेरे तकदीर में रोना ही रोना है, कि मेरे ख्वाजा की नगरी में यहाँ क्या रखा है, और यहाँ पीतल ही पीतल है वहाँ सोना ही सोना है। लीजिए साहब एक छोटी सी रात देख रहा हूं। तो भाई अनवारे मदीना, अनवारे मदीना, कि भाई अनवारे मदीना, अनवारे मदीना, हो गया दिल अनवारे मदीना। और ये देखिए हमारे नकारे में बैठे हुए गुट्टू मस्ताना, ये हमारे भाई साहब की तरफ से बहुत सारे रुपए इनायत हुए हैं, हमारे तरफ से प्यार भरा सलाम हर दिल के। कैसे Yeah.
भैया आज मैं जैसे आपके घर पहुंचा भैया और मैं देखा कि आपकी बहन के आंख में आंसू और चेहरा उदास रहा भैया। क्या कह रहे हो मोनू? मेरे बहन की आंखों में आंसू और चेहरा उदास, बात क्या है मोनू? सर मैं अपने बहन के पास चलता हूँ, बहन से पूछता हूँ काफी बात क्या है। अरे भाई अरे गम भी हो
बैठी चूंद अरे कुंभी मेले में मैया ओ बाबू भैया उसी मेले में ये दिशा हो गया जैसे आपके दाहिने हाथ में चक्र का निशान है वैसे उनके दाहिने हाथ में सूरज का निशान है, इसे भर के पहचान क्या हो सकती है? बहन खसर थोड़ा कहने का मतलब किस तरीके से मेरे दाहिने हाथ में सूरज का निशान, उसी तरीके से मेरे भाई के हाथ में चक्र का निशान। मेरी बहन मैं तुमसे वादा करता हूँ अगर मेरा भाई इस दुनिया में होगा मैं अपने भाई को जरूर ढूंढ के लाऊंगा बहन, लेकिन मेरी बात सुनो बहन, क्या कहना क्या चाहता हूँ मेरी बात सुनो बहन। क्या है भैया बोलो ना। खसर की खुशी दे से तो भगवान मिल जाते हैं उसको लाऊंगा एक दुनिया।
हूँ तो मैं उसे जरूर एक ना एक दिन ढूंढ के लाऊंगा। इसके पहले की बहन मैं जिस तरीके से आपके लिए रोजमाला फूल आया करता था और तुम स्नान करके पूजा पाठ करती थी, उसी तरीके से मैं जा रहा हूँ बहन आपके लिए माला फूल लाने। और मैं जा रहा हूँ आपके लिए माला फूल लाने, मेरा दोस्त बोलू जाएगा आपके लिए पानी ला कर देगा ताकि तुम स्नान करके पूजा पाठ कर सको। देख मैं जा रहा हूँ अपने बहन के लिए माला फूल लाने और तू चला जा मेरा बहन के लिए पानी ला कर दे ताकि बहन स्नान करके पूजा पाठ कर सके। ठीक है भैया, आप जाइए बहन के लिए माला फूल लेकर आइए, मैं जा रहा हूँ बहन के लिए पानी लेकर आऊंगा, बहन नहा के स्नान करके पूजा पाठ करेगी। हाँ बोलो मैं जा रहा हूँ बोलो। अरे मैं जब तक आना चाहूँ तब तक मेरे बहन को छोड़कर कहीं मत जाना बोलो। तू जानती है बहन वो बात पर्वती घर बैठे हुए सबका तमाशा देखता है, सबकी झोली भरता है, सबकी फरियाद सुनता है, सबकी अर्ज सुनता है, हम उस मालिक से क्यों ना दुआ करते जाओ। बहन मेरी बात सुनो, कि नाम रब ने कह दिया, नाम रब ने कह दिया, कि नाम रब ने कह दिया ऊंचा लेकर आता हूँ। ठीक है, जाओ।